जय हिंद दोस्तों, आज एक नया सेशन में हम लोग बात करने वाले हैं। एक एसएससी की वैकेंसी निकल के आई है, एसएससी, ठीक है। एसएससी की उससे जो वैकेंसी निकल के आई है 2400 के आसपास में, 2500 के आसपास में आप लोग का वैकेंसी निकल के आई हुई है। आईटीआई डिप्लोमा डिग्री पास है, ट्वेल्थ पास है, टेंथ पास है, सभी लोग के लिए वैकेंसी निकल के आई हुई है। सबका अलग अलग आप लोग का क्वालिफिकेशन, और हम लोग डिटेल में बात करने वाले हैं, एज, सैलरी, सिलेबस, सब चीज़ डिटेल में बात करेंगे कि भैया क्या क्या सिलेबस है और कहाँ कहाँ से वैकेंसी निकल के आई हुई और कौन कौन एलिजिबल है फॉर्म को फिलअप करने के लिए। हालांकि मैं बता देता हूँ कि यहाँ पे जो वैकेंसी निकली हुई है एसएससी की, जो वैकेंसी निकल के परमानेंटली जॉब है और सेंटर लेवल की जॉब होती है। देखो यहाँ पे ना एसएससी जब भी वैकेंसी आउट होती है तो बहुत सारे विभाग को इंक्लूड किया जाता है, मतलब बहुत सारे विभाग इसमें जुड़ते हैं। जल विभाग हो गया, सिंचाई विभाग हो गया, आप लोग का बहुत सारा विभाग है जो भी सेंट्रल लेवल में, सब कोई अपना अपना वो देता है कि इसमें इतना खाली है, इसमें इतना खाली है, इसमें से इतना एमईएस में सब का वैकेंसी निकला हुआ है और डिप्लोमा वाले के लिए। तो मैं दिखाता हूँ आप लोग एक एक करके। आप देखो सबसे ज़रूरी चीज़ कि सब बच्चा कमेंट करेगा कि सर अप्लाई कब से स्टार्टिंग हो रहा है, क्लोजिंग कब से हो रहा है, सर फेक है या फिर फला ठिकाना, बहुत सारे कमेंट करते हो आप लोग। तो मैं देखो यहाँ पे कोई भी चीज़ फेक नहीं बताया जाता है, ठीक है। हाँ वो अलग की बात है, कभी बाय मिस्टेक हो गया तो वो अलग की चीज़ है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे कोई भी चीज़ फेक नहीं बताया जाता है। बाय मिस्टेक होता है, अभी है हमसे, अगर मैं नहीं रहता, हमें पता नहीं रहता, हमें बता देता हूँ तो मैं वो चीज़ को डिलीट भी कर देता हूँ, ठीक है। लेकिन देखो यहाँ पे 26/2/2024 को यहाँ पे ऑनलाइन सबमिशन एप्लीकेशन आप लोग का स्टार्टिंग हो गया, फॉर्म को अप्लाई स्टार्ट आप लोग का 26/2/2024 से स्टार्ट हो गया। 18/3/2024 आप लोग का लास्ट डेट रहने वाला है। अब देखो एग्जाम एग्जाम सब चीज़ पहले ये लोग बता दिया गया कि यहाँ पे 6/8 मई को आप लोगों को हो सकता है, तो आप लोग का एग्ज़ाम ले लिया जाएगा। अब देखो नीचे में आओगे, मैं देखो बहुत बड़ा पेज पे ये PDF रिलीज किया गया, बहुत बड़ा पेज है, ओके। यहाँ पे देखोगे तो 167 पेज पे पूरा रिलीज किया गया ये वैकेंसी। तो मैं आप लोगों को मेन चीज़ें आप लोगों को मैं बताता हूँ, ठीक है। टेंशन लेने की जरूरत आप लोगों को नहीं है, इसका अप्लाई लिंक, नोटिफिकेशन लिंक सब चीज़ मैं अवेलेबल कर दूंगा वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, ठीक है। अब देखो यहाँ से हम लोग स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे देखो कौन कौन यहाँ पे एलिजिबल है फॉर्म को फिलअप करने के लिए, सबसे ज़रूरी चीज़ यही है, ठीक है। उसके बाद से मैं सब चीज़ जो भी चीज़ इंपॉर्टेंस है वो चीज़ को मैं आप लोग को बताऊँगा, क्योंकि सबको बताना नॉट पॉसिबल, 167 पेज में सबको बताना नॉट पॉसिबल है। अब देखो यहाँ पे इंडिया, नेपाल, भूटान, ये सभी लोग एलिजिबल है फॉर्म को फिलअप करने के लिए, ओके। उसके बाद से नीचे में आओगे एज लिमिट, सबका एज लिमिट अलग, जो भी कैटेगरी है तो सबका अलग अलग, जैसे कि जिस भी पोस्ट पे जो फिलअप करेगा तो उसके लिए अलग अलग आप लोग का टर्म एंड कंडीशन है, अलग अलग एज है जिसमें आप लोग को वेटेज देखने को मिल जाएगा। 3 साल 5 साल 10 साल आप लोग को छूट तो उसमें मिलेगा ही मिलेगा, मैं मिनिमम लेके चलो 28 और 25 का रेशियो आप लोग का यही रखा गया। 28 देखो किसी में तो आप लोग का 30 है, किसी किसी में 35 भी है, देख लीजिए यहाँ पर 37 है 42 है, तो अलग अलग पोस्ट वाइज आप लोग को वेटेज देखने को मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ पर आप लोग देख लीजिएगा 30 तक आप लोग एलिजिबल फॉर्म को फिलअप करने के लिए, लेकिन डिपेंड करता है आप किस पोस्ट पर फॉर्म को फिलअप करना चाह रहे हैं, कौन सी डिग्री आपके पास है। उसके बाद से आप लोग को 3 साल 5 साल 10 साल 13 साल 14 साल 15 साल जो भी चीज़ है, यहाँ पर PWD से है, SC से है, OBC से है, तो आप लोग को वेटेज बहुत ज़्यादा मिल जाता है, वो चीज़ यहाँ पे मेंशन किया गया है, ठीक है। अब डायरेक्टली चलते हैं मेन चीज़ पे आप लोग का, यहाँ पे जो आप लोग एग्ज़ाम होगा, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोग का एग्ज़ाम सबका अलग अलग है, तो आप लोग का सिलेबस पहले आप लोग देख लीजिए, उसके बाद से मैं लेके चलूँगा आप लोग को डायरेक्टली, ठीक है। मैं सिलेबस ही आप लोग को दिखा देता हूँ, पहले सिलेबस देखना बहुत जरूरी है, क्योंकि सिलेबस देख अप्लीकेशन भी आप लोग का बहुत ज़्यादा यहाँ पे जब भी वैकेंसी आउट होती है तो बहुत ज़्यादा नहीं लिया जाता, 100 रुपया आप लोग से ये लोग चार्ज कर रहे हैं, ठीक है। उसके बाद से एग्जामिनेशन सेंटर आप लोग देख लो, अलग अलग रीजन में आप लोग का जो ये एग्ज़ाम होने वाला है, तो अलग अलग आप लोग का, जैसे कि आप लोग यहाँ पे देख सकते हो पूरा उत्तर प्रदेश हो गया, जो भी रीजन से फॉर्म फिलअप करो जहाँ भी आपको नज़दीकी होगा वहीं पे आप लोग को भेजा जाएगा, या फिर आप चूज कर सकते हो तो आप लोग को वहाँ पे जाकर अपना एग्ज़ाम दे सकते हो। यहाँ पे देख सकते हो पूरा मेंशन किया गया, पूरा डिटेल में मेंशन किया गया, यहाँ पे हर चीज़ को डिटेल में लिखा गया। अब देखो सिलेबस आप लोग देख लीजिए पहले, यहाँ पे सब्जेक्ट क्वेश्चन सब्जेक्ट वाइज आप लोग का जो आप लोग का सिलेबस जो है आप लोग का मेन यही स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन आप लोग का यही रहने वाला, अमूमन तौर पर यही है, ठीक ना। मतलब कि 85% तो यही रखो, 90% की वेटेज आप लोग का यही रहने वाला एग्ज़ाम आप लोग का रहेगा। अब देखो यहाँ पे बताया गया कि जनरल इंटेलिजेंस में आप लोग का 25 क्वेश्चन, जो कि 1 क्वेश्चन 2 मार्क्स का रहेगा। यहाँ पे देखो मार्क्स आप लोग का जो भी इंक्लूड यहाँ पे हो रहा सामने। उसके बाद जनरल अवेयरनेस से 25 क्वेश्चन 50 नंबर का हो गया। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड हो गया आप लोग का अर्थमेटिक स्किल में, यहाँ पर भी आप लोग का 50 हो गया। फिर उसका रीजनिंग सॉरी इंग्लिश हो गया आप लोग का बेसिक नॉलेज आप लोग का, उसमें भी आप लोग का 25 क्वेश्चन पूछा जाएगा। और इसमें जब भी वैकेंसी आउट होती है तो ये कॉमन रहता है, 25 का रेशियो रहता है,
ठीक है। उसके बाद से आप लोग का क्वेश्चन यहाँ पर बताया गया है कि भैया 60 मिनट आप लोग को दिया जाएगा, ओके। और हाँ, यहाँ पर निगेटिव मार्किंग बहुत खतरनाक होता है, तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा 0.50 का यहाँ पे निगेटिव मार्किंग रहता है, ओके। अब बात करते हैं यहाँ पे आप लोग का लेवल्स है, ठीक है। यहाँ पे आप लोग का जो भी क्वेश्चन पूछा जाएगा तो आप लोग का जैसे कि मैट्रिकुलेशन लेवल से ही क्वेश्चन पूछा जाएगा, जिस भी मतलब फॉर्म फिलअप कीजिएगा टेंथ पे, तो टेंथ के लेवल से क्वेश्चन पूछेगा, ट्वेल्थ के लेवल से पूछेगा। तो ये चीज़ यहाँ पे मेंशन किया गया आप लोग से क्या क्या क्वेश्चन पूछा जाएगा, ये सब चीज़ यहाँ पे पूरा डिटेल में यहाँ पे पूरा जनरल अवेयरनेस से कहाँ कहाँ से क्वेश्चन पूछेगा, एप्टीट्यूड से, इंग्लिश से कहाँ से क्वेश्चन पूछेगा, ये सब चीज़ यहाँ पे मेंशन कर दिया गया। ट्वेल्थ लेवल बढ़िया गया, तो ट्वेल्थ लेवल से कहाँ से कितना क्वेश्चन पूछेगा, वो सब चीज़ यहाँ मेंशन किया गया, पूरा डिटेल में मेंशन किया गया, आप लोग इसको एक बार देख सकते हो। उसके बाद से एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन टू द एग्जामिनेशन, यहाँ पे देखो कमीशंस, यहाँ पे डिटेल्स, ये सब चीज़ यहाँ पे मेन चीज़ नहीं है। मेन चीज़ मैं आप लोगों को डायरेक्टली लेकर चलता हूँ जहाँ की आप लोगों की ज़रूरत है। अब हम लोग डायरेक्टली चले आए हैं एकदम डायरेक्टली मुद्दा पे, ठीक है, कि बहुत सारा वैकेंसी जो निकला हुआ है, किसमें कितना कितना वैकेंसी निकला हुआ है और कहां से निकला हुआ है, लेवल क्या है, एज क्या है, डिपार्टमेंट क्या है, यहां से अब आप लोग का स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। यहां पे आईटीआई डिप्लोमा डिग्री वाले देख लीजिएगा, एक एक करके मैं आप लोग को दिखाता हूं, जिससे कि सबको बताना नॉट पॉसिबल है, लेकिन यहां पे आप रीजन देख लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद से यहां पे पोस्ट नंबर है, यहां पे देख लीजिएगा। उसके बाद से पोस्ट नेम, लेबोरेटरी अटेंडेंस हो गया। उसके बाद से आप लोग का मेडिकल में आप लोग का हो गया, मेडिकल अटेंडेंट हो गया, नर्सिंग ऑफिसर हो गया, फार्मासिस्ट लेबोरेटरी हो गया, या फील्ड मैन हो गया, डिप्टी मैनेजर हो गया, जूनियर टेक्निकल असिस्टेंट, ये डिप्लोमा वाले के लिए, ठीक है। उसके बाद देखोगे तो यहाँ पर एज डिपार्टमेंट यहाँ पे है, ठीक है। उसके बाद से यहाँ पे देखोगे लेवल, लेवल सबका अपना अपना अलग अलग होगा, जिस भी लेवल से आप फॉर्म को फिलअप कीजिएगा, मतलब कैटेगरीज वाइज आप लोग का, जैसे कि अब ट्वेल्थ लेवल पर भरिएगा तो आप लोग का अलग अलग है, सबका अलग अलग लेवल आप लोग का रखा गया। टेंथ लेवल भरिएगा, आईटीआई लेवल पर भरिएगा तो आप लोग का सबका अलग अलग है, ठीक है, यहाँ पे वो मेंशन किया गया। उसके बाद यहाँ पे देखोगे टोटल में आप लोग का सीट की संख्या कहाँ से कितना है और किस रीजन में कितना है, वो चीज़ यहाँ पे मेंशन किया गया, तो यहाँ पे आप लोग देखने की ज़रूरत है। असिस्टेंट वाले के लिए देखो यहाँ पे सबका अलग अलग है, यहाँ पे असिस्टेंट वाले के लिए वैकेंसी निकला हुआ है, बल्क मात्रा में वैकेंसी निकला हुआ है। अब देखो यहाँ पे फॉरमन के लिए, लेबोरेटरी असिस्टेंट के लिए निकला हुआ है। अब मैं आईटीआई वाले के डायरेक्टली लेकर चलता हूँ, डाटा एंट्री ऑपरेटर वाले के लिए वैकेंसी निकला हुआ है, ये देख लीजिएगा कहाँ से निकला हुआ, चंडीगढ़ से निकला हुआ, डिपार्टमेंट देख लीजिएगा, अलग अलग डिपार्टमेंट से आप लोग का, सेंट्रल ग्राउंड वाटर बोर्ड यहाँ पे से वैकेंसी निकला हुआ है, बहुत सारा विभाग से आप लोग का देखिए, जैसे कि आप लोग सेंट्रल वाटर कमीशन से, न्यू दिल्ली से वैकेंसी, जल शक्ति विभाग से वैकेंसी निकला हुआ है। उसके बाद से आप लोग का सीनियर ड्राइवर के लिए भी वैकेंसी निकला हुआ है, जो भी स्टूडेंट ड्राइवर ड्राइविंग लाइसेंस रखे हुए हैं, ठीक है, उनका इंटरेस्ट है कि हमें ड्राइवरी करना है, तो आप लोग भी फॉर्म को फिलअप कर सकते हो। टेंथ पास हो, HMV वाला ड्राइविंग लाइसेंस है, आप एलिजिबल हो फॉर्म को फिलअप करने के लिए। यहाँ पे अपना देख लेना, मैं ये PDF आप लोग को व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ जाना, मैं नंबर दे दूँगा, मैं वो चीज़ भी वहाँ पर भी अवेलेबल कर दूँगा और वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी अवेलेबल कर दूँगा लिंक, आप इसको डायरेक्टली डाउनलोड करके अपने स्तर से भी पढ़ सकते हो, ठीक है। अब देखो ये सब बड़ा बड़ा पोस्ट पे वैकेंसी निकला हुआ है, मैं डायरेक्टली आईटी वाले के लिए मैं खोज रहा हूँ, आप लोगों के लिए भी वैकेंसी जो निकला हुआ है वो चीज़ मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ, टेंशन ना लो। जैसे कि यहाँ पर देख लो टेक्नीशियन के लिए, ठीक है, ये सब पोस्ट जो है आप लोग का यहाँ पे, ये सब आप ही लोग के लिए है, ठीक है, डिप्लोमा वाले के लिए। और आईटीआई वाले के लिए मैकेनिक, देखिए मैकेनिक वाले असिस्टेंट हो गया, फिर आप लोग का टेक्सटाइल डिजाइन हो गया, असिस्टेंट फील्ड ऑफिसर हो गया, ओके। तो मैं आप लोग को डायरेक्टली ले चलता हूँ अब आईटीआई वाले पे। अब देखो यहाँ से आप लोग का स्टार्ट होता है, देखिए जैसे कि आप लोग का मानसून हो गया, ठीक है, यहाँ पे आप लोग देख सकते हो। उसके बाद से आप लोग का प्लम्बर वाले के लिए वैकेंसी निकला हुआ है, सेंट्रल वाटर एंड पावर रिसर्च स्टेशंस, ये आप लोग का मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति विभाग की ओर से, पुणे की ओर से वैकेंसी निकली हुई है। जैसे कि आप लोग का यहाँ पे इलेक्ट्रिशियन वाले भी दिखाई दे रहे होंगे आपको, देखिए SEMI स्किल्ड, ठीक है। देखो अब क्या है कि यहाँ पे क्या है कि क्वालिफिकेशन आप लोग का क्या रहा है, जल शक्ति विभाग से आप लोग का वैकेंसी, वेलफेयर से वैकेंसी निकला हुआ, अलग अलग आप लोग का डिपार्टमेंट से वैकेंसी निकला हुआ, मतलब कि ये SSC अलग अलग विभाग से ही वैकेंसी निकलवे करती है, ओके। अब देखो यहाँ पर लेवल देख लेना आप लोग का, जैसे कि आप लोग का इलेक्ट्रिशियन वाले के लिए यहाँ पर लेवल 1 का सैलरी रहेगा, मेट्रिकुलेशन यहाँ बताया गया। अब किसी किसी में होगा क्या, बहुत सारे बच्चे कमेंट करेंगे कि सर क्वालिफिकेशन क्या होगा, किसी किसी में 10th होगा और NCVT, ठीक है, डिग्री होगा, या फिर 10th के बाद NSC किए हो आप एलिजिबल हो फॉर्म को फिलअप करने के लिए, तो सबका अलग अलग होगा। तो जब आप फॉर्म को फिलअप करने जाइएगा तो रीजन और यहाँ पर पोस्ट जब देखिएगा तो जो चीज़ वहाँ पे मांगेगा वो चीज़ आप लोगों को दे देना है, ठीक है। अब नीचे में आते हैं और भी देख लेते हैं,
बहुत सारा पोस्ट है, जैसे डाटा एंट्री टेक्नीशियन के लिए और लेडी मेडिकल अटेंडेंट के लिए, MTS वाले के लिए, उसके बाद से देखो फार्मेसिस्ट वाले के लिए। अब यहाँ से देखोगे ना बहुत सारे, यहाँ पे देखना ये सब आप लोग का पोस्ट है और यहाँ पे आप लोग का पोस्ट कोड है, उसके बाद से आप लोग का ये डिपार्टमेंट है और यहाँ पे एज है और ये आप लोग का ग्रेड पे है और स्केल है, ठीक है। नीचे में आओगे जैसे कि टेक्निकल असिस्टेंट वाले के लिए, नीचे में आओगे बहुत सारे डिपार्टमेंट से वैकेंसी निकली हुई है, तो सबको बताना नॉट पॉसिबल है यार, आप लोग डिटेल में देखना, इतना ही वैकेंसी नहीं है, बहुत ज़्यादा वैकेंसी निकली हुई है, तो इसको आप लोग एक एक कर को डिटेल में पढ़िएगा पहले, उसके बाद से फॉर्म को फिलअप कीजिएगा। देखो 162, 163, 164 पेज में आप लोग का एक्सरे टेक्नीशियन, ठीक है, कौन भरेगा भैया, आप ही लोग भरोगे, 12th वाले बंदा भरेगा इसमें, Level 4 का सैलरी मिलेगा, देख लो यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद से कैंटीन अटेंडेंट वाले के लिए, गर्ल्स कैडेट इंस्ट्रक्टर वाले के लिए है, बहुत सारे वैकेंसी निकला हुआ है। ड्राइवर के लिए देखो निकला हुआ है यहाँ पे, मैकेनिक से किए हो, सीनियर टेक्नीशियन असिस्टेंट जियोग्राफी से है, वो भी बंदा एलिजिबल है फॉर्म को फिलअप करने के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे आपको यहाँ पे वैकेंसी कमी नहीं है, बस आप लोग डिटेल में एक बार अपने स्तर से भी पढ़ लीजिएगा, ठीक है, क्योंकि सबको बताना नॉट पॉसिबल है, बहुत ज़्यादा मतलब वैकेंसी निकला हुआ है, ठीक है। तो आप लोग देख लीजिएगा अलग अलग आप लोग का पोस्ट वाइज आप लोग का वैकेंसी निकला हुआ, और यहाँ पर डिपार्टमेंट देख लीजिएगा और यहाँ पे आप लोग का क्वालिफिकेशन देख लीजिएगा, ओके। जैसे कि लिबर्टी अटेंडेंट के लिए 10th पास है जो बंदा एलिजिबल है फॉर्म को फिलअप करने के लिए, ठीक है। तो ये चीज़ आप लोग को देखना है, बारीकी में देखना है सब चीज़ को, ठीक है। और नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, नेक्स्ट टॉपिक हम लोग बात करेंगे, लास्ट पेज है देख लो, मैं सब चीज़ आप लोग को बता ही दिया हूँ, जो छूट गया होगा आप लोग देख लीजिएगा, मैं इसका लिंक दे दूँगा, अप्लाई लिंक, नोटिफिकेशन लिंक, नोटिफिकेशन लिंक मतलब क्या, ये PDF जो है ना मैं आप लोग को वीडियो के नीचे में दे दूंगा, आप डायरेक्टली इसके ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर इसको डाउनलोड कर सकते हो, अप्लाई भी कर सकते हो, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, नेक्स्ट टॉपिक बात करेंगे, और जो भी स्टूडेंट, मैं यही बोलूँगा जो भी स्टूडेंट टेक्निकल से जुड़े हैं जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और ग्रुप में शेयर कर दीजिएगा, ताकि जो भी बंदा टेक्निकल से तैयारी कर रहा है उसको पता चले कि भारत में यूट्यूब पर भारत का नंबर 1 टेक्निकल जॉब अपडेट चैनल कोई खोला है, ठीक है। तो भारत ITI जॉब है, तो आप लोग सपोर्ट कीजिए, अभी 7000 फैमिली हम मेरा पूरा होने वाला है, तो आप लोग सपोर्ट कीजिए, इसको 7 लाख में कन्वर्ट करना है आप लोगों को, अब आपके ऊपर रिस्पांसिबिलिटी है, कैसे कर रहे हैं अब आप लोग समझिए, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, नेक्स्ट वैकेंसी लेके आएंगे आपके सामने, ओके। तो जय हिंद, जय भारत, जय बिहार, वंदे मातरम।